जय शंकर दोस्तों, वेलकम टू बैक माई न्यू ब्लॉग। तो कैसे आज का जो ब्लॉग है काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं वर्कशॉप के लिए, जो कि टेरेंस लुइंस की एकेडमी से आते हैं। तो उनकी एकेडमी जो ट्रेनर होते हैं वो यहाँ पे भी सिखाते हैं एक दिन का वर्कशॉप, और जजिंग पे बैठते हैं। तो आज हमारी वर्कशॉप है, तो आज वहाँ जाना है। दो बजे सोई नहीं है? कौन? आप दोनों कितने सोए हो रात को? 12 बजे से उठेगा? बस 5 बजे। अच्छा, मैं भी 5 बजे उठा हूँ। दिन में कितने रोटी है? 12 बजे। तो गाइस, इधर रिया को ना फोनोफोबिया है, ये फोन के बिना एक मिनट नहीं रह सकती है। रिया, बात सच्ची है? सच्ची है? और किसको है फोनोफोबिया? आपको भी है शगुन? रिया उसको भी, आशी को भी है फोनोफोबिया है। अच्छा, सपना आपको है फोनोफोबिया? उषा आपको है फोनोफोबिया? तो ऐसी बात नहीं, आपको ही नहीं है, मेरे को भी है फोनोफोबिया। ताड़ी में जा रही, देखो भाई मेरे डैड ठीक रही, कोई मिल गया। तो फिलहाल कहीं मैं पालमपुर पहुंचने वाले हैं, और यहाँ पे ना सारी की सारी सड़कें भरी हुई हैं, क्योंकि रात की बड़ी सारी बारिश हुई है ना, उसी कारण बुरा हाल है। मैंने इस समय सोच रहा था कि मैं जाऊँगा कैसे, क्योंकि बाइक से मुझे पकड़ तक जाना पड़ना था, पर बड़ी मुश्किल से बारिश हट गया। अभी हम पहुँचने वाले हैं पालमपुर, तो अब हमें बस चेंज ही करनी है। हमें डायरेक्ट बस तो नहीं मिली, हमारे पहले पालमपुर तक ली हुई थी। अब हम चेंज करते तब लेट जाते हैं, पता नहीं उसका बस दूसरी बजे साथ आई, बस आती रोड उबाली, उसका कन्फर्म नहीं था कि वो आएगी कि नहीं। तो हमें ये छोट तोड़ तोड़ के बस ली है पालमपुर को, और पालमपुर से हमें डायरेक्ट मिल जाएगी। तो गई कैमरा मुझे जल्दी से पैक करना पड़ेगा, क्योंकि बारिश बहुत जोर से हो रही है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सभी बच्चे अपना बैग चेक कर ले पहले ना, अपना अपना बैग खुद ध्यान रखिए अपने अपने बैग का। मेरे बैग दे दी, इतना बारिश बस मेरा बैग है ना। चल, फाइनली हमें बस मिली है शर्मा, बट ये प्राइवेट है, शायद धीरे पहुँचा। पहले ना बोला जल्दी पहुँचा देंगे, तो चलो जल्दी पहुँचने लिए हमें गए। चलो 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 चलो, मैं तो यहाँ बैठूँगा बीच आराम से। जल्दी 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 बैठ जाओ। 7:25 पे चलेगी और 8:45 पे पहुँचा देगी, सही सही है। हम निकल गए हैं पालमपुर से, तो ये हमारी पूरी पलटन बैठी हुई है। उषा, अंशु, नैतिक, गरिमा एक साइड बैठे हैं, और ये चारों एक साइड बैठे हैं। और अब ये भी सो गया हेडफोन लगा के, वो भी सो गए सारे। शगुन तो बड़े मस्त सोई है, उषा ही मस्त तरीके से सोई हुई है, और अंशु और गरिमा तो वो आगे दिख नहीं रहे हैं, इन सीटों पर बैठे पर दिख नहीं रहे हैं। नैतिका भी जाग रहा है, बट सपना उठ जा, गुड मॉर्निंग, जल्दी उतरो रिया, जल्दी उतरो रिया, जल्दी उतरो। ये एक्टिंग कर रही है, नहीं सोई है मतलब। फिलहाल कैसे हम पहुंचने वाले हैं धर्मशाला भी, बट यहाँ पे फिर से बारिश लग पड़ी है। जहाँ जहाँ हम उतर रहे हैं ना बस से, वहाँ वहाँ बारिश हो रही है। यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा तेज हो गई है। अब मैं कैमरा डाल लेता हूँ बैग में, वरना भीग जाएगा। अभी हम उतरने वाले हैं। तो फाइनली कैसे हम उतर चुके हैं बस से, और हमें पता नहीं कहाँ जाना, पर ढूंढते हैं। पीछे का बैकग्राउंड कितना सही वाला है। तो बच्चे भी, हमारी बच्चा गैंग है जो पार्क खड़ी है उधर, इनको ना वॉशरूम वगैरह लगा हुआ है, पर यहाँ जगह नहीं मिल रही जाने के लिए। अभी हमें ऑडिटोरियम के लिए निकलना पड़ेगा, उधर ही मिलेगा। साइड साइड चलना सभी, आराम से साइड साइड।
साइड साइड रहे ना, बस चलते रहो चलते रहो। ट्रांस रेस्टोरेंट, इसके सामने एक गली आती है, मतलब गली अंदर को जाएगी, इसमें जाना है भाई। कॉलेज ही रास्ता गया ना, कॉलेज हो। ठीक है भाई, धन्यवाद। क्या अर्जुन को बैग देखो ना, ओए पीछे हो जाओ। पहुंच चुके हैं एक्चुअली बच्चों को वॉशरूम जाना था, मैं कॉलेज में लेके गया बच्चों को यहाँ। तो ये रहा कॉलेज, बच्चों को इस कॉलेज में वॉशरूम थे वहाँ लेके गए, क्योंकि बच्चों को बड़ी जल्दी एमरजेंसी लगा था। और ये देखो साथ में ही धर्मशाला का जो स्टेडियम है, सब बच्चों को भूख लग पड़ी है। देखो सब ये अपना लंच निकाल के बैठ गए हैं। मैंने सबको बोला था हमारी एक्स्ट्रा लेके आना, लाया है ना सभी। मैं लंच बोले जा रहा हूँ, ब्रेकफास्ट करने वाले, क्योंकि सबको भूख लग पड़ी है। हमें काफ़ी पैदल भी चल के आए हैं। वैसे मैं सोच रहा था बाइक में आऊँ, बट मुझे फिर अच्छा लगा, मतलब बच्चे को कैसे कौन संभालेगा पता है, मतलब बच्चों को संभालना भी ज़रूरी होता है पता है, हर चीज़ देखना, बस से उतरे टाइम बच्चों को देखना, बस के चलते टाइम बच्चों को देखना, तो बच्चों की पहले सिक्योरिटी, बाकी पहले बच्चों को सिक्योरिटी, बाकी बाद में होते हैं सारे काम। सभी बच्चों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है, जैसे इधर था वैसे हमें क्लीन करके जाना है। ये हाँ उठ जाए, उठते सर अब उठ जाए, उठ जाओ, बैग बुक पैक करो अपने, सारा सामान देखते रहे ना बस। हाँ ग्राउंड जाने का मन कर रहा है पर कीचड़ ही कीचड़ है। ब्रेकफास्ट है वो कंप्लीट हो गया है, और अब हमारे सामने है स्टेडियम है, वहाँ जा रहे हैं देखने थोड़ा सा। मतलब मैं लाइफ में कभी स्टेडियम के अंदर नहीं गया हूँ, अंदर तो नहीं जाएंगे फिर भी बाहर से देखेंगे, मैंने लाइफ में पहले कभी देखा ही नहीं स्टेडियम, तो अभी चलिए चलते हैं। और सामने तो है वहाँ पार है सामने। तो गाइज ये रहा आपका स्टेडियम, और स्टेडियम के हाल देख के लग रहा है स्टेडियम है, क्रिकेटर यहाँ बैठते हैं शायद, ये वाला शायद, मुझे पता नहीं क्योंकि मैं आज तक आया नहीं हूँ। ऐसा लगा स्टेडियम है, अच्छा लगा, अच्छा लगा, ये पहली बार देखा। पहली हम आए भी थे ना, है ना, कब आए थे? अच्छा हम वापिस जा रहे हैं क्योंकि वो आ रही हमारी गैंग बैठी है। देखो वो, ये देखो हमने इनको बोला था कि कहीं जाना मत, इसलिए यहीं पे वेट कर रहे हैं हमारा। तो बच्चों को हम इसलिए नहीं लाए क्योंकि बड़ी स्कीटरी जैसी पौड़ियाँ थी, ऐसे चलाए कोई इस साइड गिर गया, कोई इधर गिर गया, तो सीन हो सकता है ना, तो इसलिए बच्चों को हमने बोला कि उधर ही स्टे करें, हम ही देख के आते हैं। तो हमें उनसे पूछना है ना कि रूम राम का क्या प्लान है, वरना हमें रूम राम फिर खुद से अरेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। ये रहा कितना मस्त स्टेज है, देखो ये पूरा ऐसे हॉल, सिनेमा हॉल जैसी चेयर्स लगती हैं, लास्ट तक सबको देखने मिलेगा। फाइनली गाइस हम अंदर पहुंच चुके हैं और हमें एंट्री मिल गई है। वैसे जो वर्कशॉप स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी 2 बजे, और हम यहाँ पहुंच गए 10 बजे। तो फिर अभी सभी बच्चे जो सो रहे हैं, देखो गौरव भी सो गया, अभी उषा सोने की तैयारी में है। ये कौन सोया, उषा? सपना ये सोई है। गाइस अभी हम बोर हो रहे थे तो मैंने नाती को एक टास्क दिया अभी, तो देखते हैं नाती इसको कितनी देर में वो कर पाते हैं। नाती चलो रुको 3 2 1। वैसे मैंने देखा नहीं लाइव जिंदगी में इसको बनाते हुए, नैतिक आपने बना दी तो मैंने पहले आपको देखना है। मेरे को लग रहा है ऐसे बोल रहा है शायद, नैतिक क्या कर पाएगा नैतिक। 30 सेकंड हो गए शायद, बना देता है वो, इसने वाइट बना दिया है। 1 मिनट नैतिक, भाई स्पीड देखो नैतिक की, नैतिक 1.5 मिनट होने वाला है आपको। नैतिक हमारा जीनियस है, पढ़ने में भी अव्वल है, डांस में भी अव्वल है, हर एक चीज़ में अव्वल है ये। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर अभी वर्कशॉप स्टार्ट हो चुकी है, और बड़े कम बच्चे आए हैं, हमने सोचा काफ़ी याद आएंगे, ओनली वार्म अप वगैरह करेंगे और जो लास्ट की इंटरव्यू कराएंगे आज। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि वार्म अप वगैरह वो लास्ट की इंटरव्यू करवा रहे हैं। तो ये रे बिकल भैया, ये रे सूरज भैया, आज ये करवाने वाले हैं वार्म अप द लास्ट की इंटरव्यू। और जो टेरेंस लुइस के जो इंस्ट्रक्टर हैं वो अभी पहुंचे नहीं है, शायद थोड़ी देर में पहुंच गएंगे।
नन्या फंस गई, गरिमा भी फंस गई है, सब फंस गए हमारे। ओके, सभी कंटेस्टेंट को बताना चाहूँगा कि हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट जो हैं वो हमारे बीच आ चुके हैं, मिस मानसी पठारिया हमारे बीच में, और साथ ही साथ मिस्टर फैजल शेख हमारे बीच में हैं। ओके, लेट्स गो, फर्स्ट स्टेप गोस लाइक वन, ओके, सो यू आर गोइंग टू गो टू योर राइट, हमारी वर्कशॉप है कम्प्लीट हो चुकी है, अब निकलते हैं हमें रूम के, इन्होंने दिलवा दी है, अच्छे दिलवाए हैं, 8 बेड मिल रहे हैं हमें 1200 में, तो ठीक है। अभी अन्ने की मम्मी हमें गाड़ी में छोड़ने जा रहे हैं, वैसे एक साथ जा रहे हैं, उनको 2 फेर लगाने पड़ेंगे, तो आधे बच्चों को हमने भेज दिया है, और एक बड़े एक मतलब ऊषा या मैं निकलूंगा साथ में, एक वहाँ रुकेगा, फिर यहाँ भी एक बड़ा होता चाहिए, मतलब गौरव या यहाँ, गौरव यहाँ रुकेगा, ऊषा निकलेगी, फिर देखते हैं बाकी क्या होता है। तो इस गाड़ी में जा रहा है आशी, नैतिक, अंशु, गरिमा और सपना, तो मैं चलूँ साथ में कि किसी और के भेजूँ? मैं चलूँ? बोले तुम यही रुकना, जाना मत यहाँ। ओके ठीक है, बोलना गौरव कहीं मत निकलना, बस यहाँ से हिलना मत, कुछ भी हो जाए, कुछ भी बस यहाँ चल जाना, इससे आगे मत जाना कहीं आगे पीछे, ठीक है, वहाँ अंदर चल जाना चाहिए, वहाँ चल जाना अंदर ना, पर इससे आगे पीछे मत निकलना, ठीक है, हम छोड़ के आते हैं इनको, वेट। तो यहाँ पे 8 बेड लगे हुए हैं, 1, 2, 3 बॉयज यहाँ सो जाएंगे, गर्ल्स सारी उधर सो जाएंगी, तो वे फिलहाल अभी जा रहे हैं खाना खाने, क्योंकि भूख लग पड़ी है, उषा का फास्ट था तो इसने फास्ट की पूजा भी नहीं की, और ऐसे ही मरने वाली हालत होगी बेचारे, देखो ऐसे खड़ी जबरदस्ती, तो चलिए खाना खाने निकले जल्दी से, चलिए 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 चलिए। यहाँ पे एक ढाबा है, उन्होंने बोला कि वो बड़ा मस्त खाना खाना बनाते हैं,
तो वहीं चल रहे हैं अभी हम। हम खाना खाना जा रहे हैं और हम सुबह की और दोपहर की इकट्ठा पूरा ढाबा खाली करके आ जाएंगे, है ना? पूरे ही। और उसे पेट भर के चलिए, बेचारी बड़ी भूखी है, इसका फास्ट था आज ना। कल हमारे लिए बहुत स्पेशल डे है, बहुत मजा आने वाला है। सो भगवान जी जिता देना बस है। तो ये डांस कर चलिए। हम पहुंच चुके हैं, कौन सा ढाबा है ये? शिवा ढाबा। यहाँ का मैंने सुना है खाना बहुत ही मस्त होता है, यहाँ का बच्चों को खिलाते हैं। हमारी सारी की सारी गैंग बैठ चुकी है पूरा कब्जा करके ढाबे पे। तब हम खाने वाले हैं, पता नहीं क्या खाने वाले हैं, जो आगे खा लेंगे। टेस्टी है नाती खाना? एक बाइट आप ही चख लो। नहीं नहीं खाओ खाओ बेटा, हम खा लेंगे, हम खा लेंगे बाद में। तो फाइनली हम खाना खाना खा के आ गए और काफ़ी एंजॉय किया। बच्चे ना खूब मस्ती करने वाले हैं। जहाँ मैंने रूम लिया ना वहाँ का जो व्यू है वो बहुत ही अल्टीमेट है कसम से। एक बार दिखा तो आपको, इसलिए हम शिमला में ही आ गए हैं। ये देखो लोकेशन, देखो शिमला में आ गए। अंशु तेरा डोगी था ना ऐसा वाइट कलर का, कैंडी कैंडी नाम का वो है ना, सेम ऐसा ऐसा। सॉरी, जहाँ पे हमें रूम मिला है ना वो एक सरकारी दफ्तर टाइप है, तो वहाँ पे हमें मिला। और वहाँ से मतलब जहाँ वहाँ से रूम के बाहर निकलेंगे और सम व्यू वो वाला व्यू आएगा अल्टीमेट वाला, तो हमारा वो वाला रूम है वो ऊपर वाला। ओए यार इतने, जल्दी से चल जाओ, जल्दी चल जाओ। ओए हे से हम पौड़ियाँ चढ़ते हैं। तो यहाँ पे टॉयलेट्स हैं, एक ये जेंट्स टॉयलेट हैं और ये लेडीज़ टॉयलेट हैं। और साथ में अपन का रूम है, रूम कुछ मैं ये नहीं बोलूँगा बड़ा लग्जरी टाइप है, सिंपल जैसा लिया अपन में, क्योंकि ये हमें मिला है 1200 में। और यहाँ पे 8 बेड लगे हैं, बॉयज इस साइड सो रही हैं और सारी की सारी लड़कियाँ जो इस साइड सो रही हैं। इसको देखो आदि मानव को, ये देखो आदि मानव कच्चे में। तो यही था हमारा छोटा सा आज का दिन, काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी बच्चों ने इन्जॉय भी किया और बहुत मज़ा आया। तो अब बच्चे बोल रहे हैं सर प्लीज़ कैमरा बंद कर दें, अब हमारा टाइम है, क्योंकि सारा दिन ही ऐसे इधर घूमते रहे, मतलब खज्जल टाइम, मतलब अच्छे इन्जॉय भी किया, खज्जल भी हुए, पर अब बोलते हैं कि हम मस्ती करने वाले हैं। तो हम इधर म्यूजिक सिस्टम थोड़ा सा लगाएंगे और खूब मस्ती मारेंगे, और ऐसे मस्ती मारेंगे किसी को परेशान, मतलब थोड़ी नॉर्मल वाली मस्ती करेंगे, किसी को परेशानी ना हो, जिससे कल वाला जो ब्लॉग है ना वो तो बहुत ही तगड़े आने वाला है गाइस, क्योंकि वो है डांस हिमाचल डांस का फाइनल। तो सभी बच्चे हमारे बहुत एक्साइटेड है उस चीज़ के लिए, तो मैं खुद भी बहुत ज़्यादा हूँ। क्या पता कल फर्स्ट ही आ जाए, क्या पता कल सेकंड आए, क्या पता कल थर्ड ही आए, क्या पता कल कुछ आए भी ना, मुँह लटके हुए आ जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है गाइज, लेते हैं यहीं पे अलविदा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलना। बाय बाय, टेक केयर, जय शंकर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। चूचा सो जाओ, डिस्कानी है। ओए 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 बस बस, ओए मैं डिस देने है बुलाया स्नैक शाम। ठीक है ये बच्चों को डरा, ओ भाई सच्ची लग रहा है वो भाई, रुको ना रुको रुको दिखाने देते, सच्ची लग रहा है ना। ठीक है तो बच्चों के साथ करने वाले हैं स्नैक प्रैंक, बच्चों के पास जाए जाएंगे और बैठेंगे और देखते हैं क्या होता है क्या। चल चल ला जा जा, जो किसने शोर शोर किया ना नीचे वाले, नीचे ऊपर आ गए थे, बोलते क्या हो रहा है, चूचा क्यों हो रही है ये, बारी बारी सबसे पूछते हैं ना कि मतलब कौन सी गेम उनकी फेवरेट है और क्या है। हाँ वो सबसे पहले शगुन की बारी, शगुन शगुन से पूछे पहले कौन सी इसकी गेम फेवरेट। शगुन कौन सी गेम फेवरेट आपकी? इंडोर बता सकते हैं, आउटडोर बता सकते हैं। नहीं करनी पिल्लो फाइट, क्यों करनी है, मारने के वैसे नहीं मार देने हमने। अरे हम खेलने वाले हैं तो अक्षिणी। Oh!
ओए ऊपर ओए ओए